ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर दंतेवाड़ा से है। आंध्र प्रदेश में फंसे 150 मजदूर जो पैदल ही आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर निकल पड़े, जब रास्ते में पुलिस प्रशासन की नज़र मजदूरों पर पड़ी और उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वे मजदूर जो 2 महीने पहले मिर्ची तोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश गए थे और आंध्र प्रदेश में ही वे मजदूरी कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण सभी मजदूर आंध्र प्रदेश में फंसे हुए थे। इन सभी मजदूरों को आंध्र प्रदेश में फंसे होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही थीं, इनमें से कुछ महिलाएं भी थीं। दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न गांवों में फंसे 150 मजदूर जिनको आंध्र प्रदेश से दंतेवाड़ा आने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलने के कारण वे पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में इन्हें प्रशासन की मदद मिली और सभी मजदूरों को आंध्र प्रदेश से लाकर दंतेवाड़ा के पालनार गांव के हॉस्टल में 14 दिन के लिए सभी मजदूरों को क्वारंटीन में रखा गया। तो आप लोग यहाँ कैसे आ गए? गाड़ी से आए, आंध्र से। तो आंध्र क्या काम से चले गए थे? मिर्ची तोड़ने। तो अभी यहाँ पे कौन लेके आया आप लोग को? सरकारी लेके आए। सरकारी गाड़ी? तो यहाँ पे खाना पीना सही ढंग से मिल रहा है? मिल रहा है। कोई चीज का दिक्कत है? नहीं है, सब सही है, समय पे मिल रहा है ना? अच्छा, क्या नाम बोले आपका? आयतू। मजदूरी काम करते हैं, उधर काम करने गए थे आंध्रा में, तो कोरोना वायरस बोले तो उधर थोड़ा दिन रुक गए थे हम। अच्छा, थोड़ा दिन उधर ही रुक गए थे। कितने दिन से वहाँ पे काम कर रहे हो? उधर 1 महीना काम किए थे। 1 महीना काम किए थे। तो अभी यहाँ पे कब आए? कल नहीं, परसों आए। परसों आए हो? तो क्या क्या साधन से आए थे? क्या से आए थे? गाड़ी में? बस में ला दिए। बस में? सरकारी गाड़ी से। कौन, पुलिस वाले लेके आए? जी। तो अभी यहाँ पे खाना वाना सब सही मिल रहा है आप लोग को? सही सलामत सब मिल रहा है, खाना सब्जी सब मिल रहा है। अच्छा, तो कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग तो रामागुंडा गए थे, दो जन गए थे, बाकी जना वो सुकमा से अलग हो गए। तो सुकमा से अलग हो गए, वो लोग भी आपके साथ थे? हाँ। तो कितने लोग गए थे आप लोग? पूरा 14-15 जन गए। तो अभी यहाँ पे कितने लोग आए हैं? हम लोग दो जन आए हैं। दो जन आए, बाकी लोग वापस चले गए? हाँ, मेरा नाम सुकाल उमड़ा में, पालनार पंचायत का सरपंच। अच्छा, यहाँ के पंचायत के सरपंच हो? अच्छा, तो ये जो फंसे लोग हैं ये कब आए हैं यहाँ पे? ये यहाँ से 2 दिन पहले आए हैं और इसी जिला के रहने वाले हैं। अलग अलग गांव के मजदूर हैं, कोई कावड़ गांव के हैं, कोई मेटापाल के हैं, कोई श्यामगिरी के हैं। आज से 2 महीना पहले आंध्रा मिर्ची तोड़ने गए रहे और लॉकडाउन की स्थिति में उधर ही फंस गए रहे। सरकार की मदद से कहना चाहिए इनको यहाँ पे ला के क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ रखा गया। तो आपको इनका कवर कैसे मिला? नहीं, हम नहीं लाए, वो तो प्रशासन ने यहाँ पे भेजा। अच्छा, प्रशासन ने ला के छोड़ा। तो इनको सही खाना वाना मिल रहा है सब? हाँ बिल्कुल। तो खाना और दाल? तो और कुछ चीज़ का दिक्कत तो नहीं हो रहा इनको? और कोई चीज़ का दिक्कत भी होगा तो उसको प्रशासन स्तर में अगर संज्ञान में लाएंगे तो बिल्कुल पूरा किया जाएगा। तो कोई यहाँ बड़े अधिकारी आए थे और इनसे कुछ जो है जानकारी लिए क्या? हाँ, कल जिला सीओ आए रहे, तहसीलदार सीओ आए रहे। तो क्या बोल के गए कि कब ये लोग का व्यवस्था करके भिजवाएंगे घर? क्वारंटाइन सेंटर में तो जो नियम है 14 दिन रखने का ही है। अच्छा। 14 दिन बाद ही भेजा जाएगा। अच्छा, 14 दिन के बाद सभी मजदूरों को अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। वहीं पालनार गांव के सरपंच से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि 14 दिन तक ग्राम पालनार के हॉस्टल में सभी मजदूरों को सुरक्षित रखा गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की ओर से सभी मजदूरों के ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी इनके देखभाल के लिए शासन की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। मजदूरों की सुधि लेने के लिए शासन प्रशासन की टीम एवं गाँव के सरपंच, कोटवार सभी की आवाजाही लगी रहती है ताकि कोई भी मजदूर को किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझना ना पड़े। प्राइम न्यूज 24 के लिए सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।